श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा, लेकर के हाजिर हूं 2020 फरवरी माह का राशि फल राशि सिंह के लिए। सिंह राशि का जातक बाहर से देखने में बहुत कठोर होता है, लोग हमेशा समझने में गलती करते हैं सिंह राशि के जातक को या जातिका को। बाहर से आप लोग बहुत कठोर दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत कोमल हृदय के होते हैं, अंदर से बड़ी दयालु प्रकृति के लोग होते हैं ऐसे, लेकिन बाहर से कठोरतम दिखते हैं। अपने सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करते हैं, हमेशा चाहे वही वाली परिस्थिति हो सकती है कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ये परिस्थितियाँ सदैव जीवन के अंदर रहती हैं। खास करके जब महिला का सिंह राशि में जन्म हुआ हो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है लाइफ को निकालना, क्योंकि सिंह राशि में जन्म होने कारण पुरुषत्व की प्रकृति होती है, हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके चीज़ों को करना, ध्यान से सब कुछ करना और पुरुष जैसा व्यवहार करना एक उसके जीवन में होता है। आज हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी जहां महिला कहीं आगे बढ़ करके आती है घर के अंदर, तो ऐसी परिस्थिति में पुरुष को कहीं ना कहीं हीन भावना जरूर होती है, अच्छा मेरे से इस प्रकार क्यों कहा या मेरे से ऐसी बातें क्यों हुई। जब भी सिंह राशि की कोई महिलाएं होती हैं तो उनको ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। खैर इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बहुत लंबा हो जाएगा राशिफल। सीधे राशिफल पर आता हूँ, किस प्रकार रहने वाला है आपका फरवरी का माह। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्वास्थ्य पर ध्यान रखना, ये माह आपके लिए थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा मुश्किल है। एक समस्याओं से बाहर निकलेंगे या निकलेंगी, दूसरी समस्या आकर के घेर लेगी, दूसरी समस्याओं से बाहर निकलेंगे तीसरी समस्या आकर के घेर लेगी। जो तारीख 16 तक है, ध्यान रखिएगा तारीख 16 तक ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ चलने वाली है। तारीख 16 तक अनेक प्रकार की समस्याएं आपको परेशान करने वाली हैं, शत्रुओं से भी घिरे रहने वाले हैं और स्वास्थ्य भी सदैव आपका ढीला रहेगा। पिता के साथ भी संबंधों में अनबन रहेगी, पिता के साथ भी विचारों में बहुत ज़्यादा मतभेद होगा, बहुत दिक्कत होगी। तो तारीख 16 तक का जो समय है वो कहीं ना कहीं आपके लिए संघर्षपूर्ण है, लेकिन तारीख 16 के बाद के समय को अगर उठा करके देखा जाए, अगर नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ प्रमोशन का सुंदर संयोग प्राप्त होगा। व्यापार कर रहे हैं या कर रही हैं, नौकरी कर रहे हैं या कर रही हैं तो प्रमोशन का योग प्राप्त होगा। व्यापार कर रहे हैं या कर रही हैं तो ऐसी कंडीशन में व्यापार को नए आयाम तक ले जाने का जो शुभ अवसर है वो आपको प्राप्त होगा। नए आयाम तक व्यापार को ले जा सकते हैं, व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, ये सफलता आपको यहाँ पर जरूर मिलने वाली है। अच्छे लोगों से आपके बेहतर संबंध जरूर होंगे, उसके साथ पॉलिटिकल जगत में हैं तो भी आपकी जो पद प्रतिष्ठा है वो निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, सूर्य का गोचर आपके सप्तम भाव में पहुंच जाएगा और सप्तम भाव में सूर्य के गोचर का पहुंचना आपके लिए दुखदाई है। दुखदाई किस तरफ से है? जीवन साथी के साथ दुखदाई है। अगर प्रेम संबंध है तो अनायास प्रेमिका आपसे बात करना या प्रेमी आपसे बात करना बिल्कुल बंद कर देंगे। आपको भी समझ नहीं आएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा था, किसी चीज़ में किसी प्रकार से दिक्कत नहीं थी, लेकिन अचानक आखिर ऐसा क्यों हो गया कि बिल्कुल प्रेमी या प्रेमिका ने बात करना बंद कर दिया। कुछ असामंजस्य हुआ है, कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं समझ आई है, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन साथी से त्याग का जो सामना है वो आपको करना पड़ेगा। इसी प्रकार की परिस्थिति अगर आप मैरिड हैं तो वहाँ पर भी होने वाली है। आपके जीवन साथी का लगाव कहीं ना कहीं आपके प्रति कम हो जाएगा और जीवन साथी से जो त्याग की परिस्थितियां हैं वो आपको जरूर फेस करनी पड़ेगी। दोनों ही कंडीशन में हमें क्या ऐसी रेमेडी करनी चाहिए, क्या ऐसा उपाय करना चाहिए ताकि हमें लाभ हो। जो पहली परिस्थिति बताई स्वास्थ्य को लेकर के या समस्याओं में घिरे रहने के लेकर के, अगर ऐसी परिस्थिति हो रही है तो फिर मंदिर के अंदर किसी ब्राह्मण को भोजन तैयार करके या भोजन बाहर से खरीद करके या लाल फल लेकर के मंदिर में दान करके आपको आना है, और लाल वस्त्रों का आपको ज़्यादा प्रयोग करना है। लाल वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग 15 तारीख से पहले आपकी जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को दूर करने वाली होगी, लेकिन 16 तारीख के बाद लाल वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनना है। लाल वस्त्र पहनेंगे तो जीवन साथी के साथ बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 16 तारीख के बाद
हर दिन एक लाल फल ले जाकर के मंदिर में आपको दान करना होगा, जिससे कि आपको और लाल टीका मस्तक पर जरूर लगाना होगा। ये दो चीजें करना आपके जीवन साथी के साथ संबंधों को मधुर बनाने वाला और जीवन को सुखमय रास्ते पर पहुंचाने वाला होगा। अगर कोई और जानकारी ऐसी है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, मैं कार्यक्रम में नहीं दे पाया हूं, रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, प्लीज़ कॉल कर लीजिए, अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। हम सदैव आपके साथ हैं, आप हमारे पारिवारिक सदस्य जैसे हैं, हम आपकी समस्या को दूर करके आपके जीवन को बेहतर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही, फिर एक नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तक के लिए जय श्री राम। श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें।